क्वेश्चन ये है कि कैपिटल एम मास का एक वर्टिकल स्मूथ कंडक्टिंग सिलेंडर है और उसके ठीक बीच में स्मॉल एम मास का एक पिस्टन है। पिस्टन को धीरे धीरे ऊपर पुल किया जाता है, तो कैपिटल एम का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है ताकि जो सिलेंडर है वो लिफ्ट हो जाए, तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर सोचना ये है कि जो सिलेंडर है वो लिफ्ट क्यों होगा, क्योंकि पिस्टन और सिलेंडर के बीच में कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। तो कन्फर्म है कि पिस्टन सिलेंडर पर वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता। अगेन, सिलेंडर में जो गैसेस हैं वो भी सिलेंडर पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, जो गैस है वो इस वॉल पर टुवर्ड्स राइट फोर्स अप्लाई करेगा, इस वॉल पर टुवर्ड्स लेफ्ट फोर्स अप्लाई करेगा, और जो बॉटम है उस पर दोनों डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। मतलब जो गैसेस हैं वो भी सिलेंडर को लिफ्ट नहीं कर सकते। तो सिलेंडर लिफ्ट कैसे होगा? आंसर ये है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है वही सिलेंडर को लिफ्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे हो रहा है कि पिस्टन जब ऊपर जा रहा है तो गैस का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। अगेन, गैस का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट है बिकॉज द सिलेंडर इज हाईली कंडक्टिंग। वी हैव PV इक्वल टू कांस्टेंट, PV इक्वल टू nRT होता है, और जो टेम्परेचर है वो हमेशा कांस्टेंट है, सो वी हैव PV इक्वल टू कांस्टेंट। ऑब्वियस है कि पिस्टन जब ऊपर जाएगा तो गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और जो गैस का प्रेशर है वो डिक्रीज करेगा। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सिलेंडर के बॉटम पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है। किस इंस्टेंट पर वो फोर्स जो है वो सिलेंडर को लिफ्ट करेगा, क्योंकि गैस का जो प्रेशर है वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये वजह है कि सिलेंडर लिफ्ट हो जाएगा। अगेन, इस इंस्टेंट पर पिस्टन ठीक बीच में है। मान लेते हैं कि जो गैस है उसका वॉल्यूम भी है, मतलब ये हो गया कि ऊपर वाला जो स्पेस है उसका वॉल्यूम भी V के इक्वल होगा। ठीक है, अगेन मान लेते हैं कि गैस का जो प्रेशर है वो P है। ठीक है, एंड वी हैव PV इक्वल टू कांस्टेंट। अगेन, पिस्टन पर नेट फोर्स 0 अप्लाई करते हैं। ये पिस्टन है, इसका मास स्मॉल m है, तो इसका वेट स्मॉल m g दोनों डायरेक्शन में ऐड करेगा। अगेन, जो गैस है वो पिस्टन पर अपवर्ड डायरेक्शन में P इंटू एफ फोर्स अप्लाई करेगा, और अगेन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो पिस्टन पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में P0 एफ फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, सो वी हैव PA इक्वल टू P0 ए प्लस स्मॉल एम जी। ठीक है, अगेन पिस्टन धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। किसी इंस्टेंट पर मान लेते हैं कि जो गैस है उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है, और इस इंस्टेंट पर सिलेंडर लिफ्ट हो जाता है, और इस इंस्टेंट पर गैस का जो प्रेशर है वो मान लेते हैं P' है। ठीक है, अगेन वी हैव P' V' इक्वल टू nRT दैट इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो अगेन यहाँ भी जो सिलेंडर है उस पर नेट फोर्स 0 अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि इस इंस्टेंट पर सिलेंडर जस्ट लिफ्ट हो रहा है, तो कन्फर्म है कि इस इंस्टेंट पर सिलेंडर पर नेट फोर्स 0 होगा। तो हम सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये सिलेंडर है। ठीक है, सबसे पहले इसका वेट कैपिटल एम जी दोनों डायरेक्शन में ऐड कर रहा है। उसके बाद जो गैसेस हैं वो इन दोनों वॉल पर 0 फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इस पर जो फोर्स है वो टुवर्ड्स राइट है और इस पर जो फोर्स है वो टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो गैस सिलेंडर पर नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जो गैस है वो बॉटम पर
डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, तो गैस बॉटम पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में पी डैश ये फोर्स अप्लाई करेगा। अगेन जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है पी नॉट, वो बॉटम पर अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से पी नॉट ये फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, तो इस इंस्टेंट पर सिलेंडर पर नेट फोर्स जीरो है, सो वी हैव पी नॉट ए इक्वल टू ये हो जाएगा पी डैश ए प्लस कैपिटल एम जी। ठीक है, नाउ वी हैव पी वी इक्वल टू पी डैश बी डैश, पी वी इक्वल टू पी डैश बी डैश। तो क्या करते हैं कि इस इक्वेशन से पी की वैल्यू और इस इक्वेशन से पी डैश की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, या ऐसा करते हैं कि इस इक्वेशन में हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा पी ए भी इक्वल टू पी डैश ए इंटू वी। ठीक है, सो दिस इंप्लाई दैट पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस स्मॉल एम जी इंटू वी इक्वल टू पी डैश ए, पी डैश ए इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस कैपिटल एम जी इंटू वी डैश, दिस इज वी डैश। ठीक है, अगेन ये कन्फर्म है कि जो वी डैश है वो टू वी से कम होगा। ठीक है, क्योंकि सिलेंडर का जो टोटल वॉल्यूम है वो टू वी है, सो वी मस्ट हैव वी डैश लेस देन टू वी, वी मस्ट हैव वी डैश लेस देन टू वी। तो ये जो इनइक्वालिटी है उसमें वी डैश की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट करते हैं, सो दिस इंप्लाई दैट वी डैश इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस स्मॉल एम जी इंटू वी डिवाइड बाई पी नॉट ए माइनस कैपिटल एम जी, दिस मस्ट बी लेस देन टू वी। ठीक है, वी वी कैंसिल एंड दिस इंप्लाई दैट पी नॉट ए प्लस स्मॉल एम जी लेस देन टू पी नॉट ए माइनस टू कैपिटल एम जी। ठीक है, सो दिस इंप्लाई दैट, तो इसको इस तरफ लेके आते हैं, ये हो जाएगा टू इंटू कैपिटल एम जी लेस देन, इन दोनों टर्म को उस तरफ लेके जाते हैं, ये हो जाएगा पी नॉट ए माइनस स्मॉल एम जी। ठीक है, सो फाइनली वी हैव कैपिटल एम लेस देन पी नॉट ए माइनस स्मॉल एम जी डिवाइड बाई टू जी। ठीक है, मतलब जो कैपिटल एम है वो इससे कम होना चाहिए, मतलब ये जो है वो एम की मैक्सिमम वैल्यू हो गई। ठीक है, और इस तरह से ही सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।